नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में आज हिस्सा लिया। 56 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जैसे अपना भाषण देते हैं, मानो पूरी यूनिवर्सिटी उनकी दीवानी बन जाती है। उनके एक एक भाषण की एक एक बड़ी बात पर हर कोई टकटकी लगाए बैठा था। प्रधानमंत्री बोलते हैं और जो कहते हैं आज वो आपको देखना चाहिए। आखिर वो कैसे कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है, पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉपआउट रेट 70% से ज्यादा था वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉपआउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। वो कहते हैं कि यहां रामायण भी पढ़ाई जा रही है और कुरान भी। यह सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ऐतिहासिक धरोहर है। आज आपको प्रधानमंत्री का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर और बाहर खड़े छात्रों तक हर कोई उन्हें सुन रहा था, कोई टीवी के जरिए, कोई मोबाइल के जरिए, और कैसे उनका दीवाना बन गया। दिखाते हैं आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी बड़ी बातें कही। लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने राजनीति करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उन्होंने समझा दिया कि छात्रों को भड़काकर राजनीति अब नहीं चलेगी। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात में क्या कहा, देखते हैं।
साथियों, हमें यह समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है, उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। वाकई प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज निराला है और यही कारण है कि आज पूरी यूनिवर्सिटी उनकी फैन बन गई है, पूरी यूनिवर्सिटी उनके भाषण से बेहद ज्यादा उत्साहित है। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।